أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا مولانا مولى الثقلين تحت الحسن والحسين بالخاص محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم والفرقان المجيد والقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صلوات गिरामी सूरह मायदा की आयत नंबर 35 को उन्होंने कलाम बनाया। इस आयत में खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, तक्वा इख्तियार करो, वब्तहु इलैहिल वसीला, और अल्लाह तक रसाई के लिए वसीला तलाश करो और अल्लाह की राह में जिहाद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, ताकि तुम फला पा जाओ। हजरात, इस आयत में इस्लाम के कई फलसफे छुपे हुए हैं। आज जो मेरा मौजू है वो है इस्लाम में जिहाद का क्या फलसफा है और उसे क्या बना दिया गया और क्यों बना दिया गया और वो क्या वजह थी जिसने इस्लाम के फलसफों को बदला, जो फलसफे रसूल के जमाने से बदलने लगे और आज तक बदले जा रहे हैं। इस पूरी तारीख का मुतालिया, 1400 साल की जो तारीख है वो आपके सामने मुख्तसर से वक्त में रखूंगा। इस सलवात पढ़ दीजिए। या अय्युहल लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ वो लोग जिनका अमल सही है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह पे तक्वा रखो, यानी जिनका किरदार सही है। तीसरी बात, और अल्लाह की रसाई के लिए वसीला तलाश करो। कुरान में कोई भी आयत, कोई भी सूरा, कोई भी लफ्ज बिना किसी तरतीब के नहीं आता। यहां पर भी एक तरतीब मौजूद है। सबसे पहले जिसका अमल सही हो, उसके बाद जिसका किरदार सही हो, वही वसीला तलाश करे। या मैं लफ्जों को बदल कर यूं कह दूं कि जिनके पास वसीला नहीं है, ना उनका किरदार सही है, ना उनका अमल सही है, सलात। अमल और किरदार जरूरी है, तभी वसीला तलाश करो, और जब वसीला मिल जाए तभी अल्लाह की राह में जिहाद करो। चार चीजें इस आयत से हमें आपको समझानी है। सबसे पहली चीज, ईमान क्या है। दूसरी चीज, तकवा क्या है। तीसरी चीज, वसीला क्या है। और चौथी चीज जो मौजू है कि जिहाद क्या है। ईमान क्या है। ईमान खुदावंद आलम कुरान करीम के सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 15 में इरशाद फरमाता है, इन्नमुल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्तबू, यानी ईमान वाले सिर्फ वही हैं जो अल्लाह पे और उसके रसूल पे यकीन करते हैं और उनके दिल में कभी भी इस यकीन पर शुबा नहीं पैदा होता। अब ये शक और शुबा क्या, यानी वो शख्स जो रसूल की बात पर अपनी बात कहे,
रसूल से तेज आवाज में बात करे, रसूल की बात काटे, रसूल अगर जंग में कहीं रुकने को कहे तो वहां खड़ा ना हो और वहां से फरारी अख्तियार कर ले, तो उसके दिल में रसूल के लिए वो यकीन नहीं है जिसकी बात इस आयत में हो रही है। तो वो शख्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस आयत की जेर में वो ईमान वाला हरगिज नहीं हो सकता। एक सवाल पर ईमान के बाद तखवे पे चलते हैं, इत्तकुल्लाह और तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या है? अल्लाह का खौफ, यानी इंसान के अंदर यह ख्याल होना कि उसका हर अमल, हर लफ्ज, हर एक्शन, हर फिक्र, हर सोच ऐसी है जिसे कोई देख रहा है, कोई निगहबान है, कोई निगहराह है, जो आपके अमाल पे नजर बनाए हुए हैं। और तकवे पे पूरा अशरा पढ़ा जा सकता है, लेकिन तब लफ्जों में आपको तकवा समझाऊंगा एक मिसाल से। तकवा क्या है? अगर उसूल उसूल है, उसूल पे अमल तब तक नहीं होगा जब तक तकवा ना, मतलब उसूल पे अमल करने के लिए अमल करवाने वाला भी होना चाहिए। यानी सिर्फ लॉ बनने से, सिर्फ नियम बनने से नहीं होगा जब तक उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने वाला ना मौजूद। मिसाल दे देता हूँ आजकल की, सिग्नल है जो लाल है, आप निकले, कॉन्स्टेबल नहीं खड़ा है, ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं खड़ा है, आप सीधे निकल गए बिना रुके क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है। अब वही सिग्नल है, वो लाल है, कैमरा भी लगा हुआ है, कॉन्स्टेबल भी खड़ा हुआ है, आप रुक जाएंगे कि भाई वो देख रहा है। तो इस उसूल को अमल दरामद कराने के लिए कोई अमल दरामद कराने वाला मौजूद होना चाहिए, और वही अमल दरामद कराने वाला इंसान के अंदर तकवा होता है। सलवात पढ़ी तकवे के बाद तीसरी चीज है वसीला, खुदा, जो तमाम चीजों का मुख्तार है, जिसके पास सारे इख्तियार है, जिसके पास सारा इल्म है, जो चाहे वो कर सकता है। और हम क्या है? कमजोर है, हकीर है, हमारे पास कोई नहीं है, कोई अख्तियार नहीं है, हमारा खुदा से कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। फिर लोग कहते हैं कि हमें वसीले की जरूरत नहीं है, तो जब खुदा इतनी ताकतों के बाद भी हमें दीन पहुंचाने के लिए वसीले का इस्तेमाल कर रहा है, तो हम अपनी कमजोरी के बना पर ये कैसे कह सकते हैं कि हम बिना वसीले के उस तक पहुंचाएंगे? खुदा तक नहीं पहुंच सकते। चौथी चीज और जो मौजू है आज, जिहाद। जिहाद इस्लाम की वो चीज है जिसे बहुत बदनाम किया गया। उसे क्यों बदनाम किया गया वो आज हमें तकलीर है। जिहाद की किस्में आपको बता देगा, सबसे बड़ी जिहाद, सबसे अव्वल जिहाद, जिहाद पे नफ्स, यानी अपने नफ्स से जिहाद। ये नफ्स ही है जो इंसान का नफ्स जो सरकश है, जो अपने आप को बड़ा समझता है, जो आपसे गुनाह कराता है, जो आपसे झूठ बुलवाता है, जो आपको सिराते मुस्तकीम से भटकाता है, उसी नफ्स से लड़ना सबसे बड़ा जिहाद है। इबादत वही जिहाद है। मेहराब, मेहराब आप सबने सुना होगा, मेहराब के क्या माने? मेहराब मस्जिद में होती है, आमतौर पर यह माने हैं कि वो जगह जहां नमाज पढ़ी जाती है। तो क्या मेहराब के यही मायने? नहीं, लुगत में मेहराब के माने, मेहराब बना है लफ्ज हर्ब से, और हर्ब का मतलब है लड़ाई, यानी मेहराब वो जगह है जहां इंसान लड़ाई करता है। अब मस्जिद में कौन सी लड़ाई होती है, नमाज में कौन सी जंग होती है, नमाज में कौन सी गोलियां चलती हैं, कौन से असलहे चलते हैं, कौन सी तलवारें चलती हैं? हजरत, नमाज में सबसे बड़ी जंग होती है, नमाज में इंसान की उससे नफ्स से जंग होती है। एक तरफ कुर्बतन इलल्लाह है, और दूसरी तरफ इंसान का नफ्स है जो सरकश है, जो अपने आप को बड़ा समझता है, जो दूसरों को हकीर समझता है। उधर कुर्बतन इलल्लाह की आवाज आती है, इधर इंसान का नफ्स झुकता है कि क्या हो रहा है, जंग हो रही है। झुकता झुकता इंसान का नफ्स सजदे में गिरता है, अल्लाह की रहमत जीतती है, और इसी जंग को नमाज कहते हैं। सलवात।
इसी जंग को नमाज कहते हैं। रोजा क्या है? इबादत। भाई हमारी आदत सुबह चाय पीने की, पान खाने, लेकिन रोजा रमजान शुरू हुआ ही सारी चीजें हमने बंद कर दी। ये क्या हो रहा है? ये अपने नफ्स को सेर करा जा रहा है ताकि अल्लाह को राजी किया जाए। सुम्स और ज़कात क्या है? ये जिहाद बिल माल है, यानी माल का जिहाद। मस्जिद की तामीर के लिए कुछ पैसे देने, आपने कहा जी हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब जंग चल रही है, लड़ाई चल रही है कि क्या पैसे दे दें या ना दें। अगर इस्लाम के लिए दे दिया तो लश्कर इस्लाम जीत गया, और अगर नहीं दिया तो लश्कर कुफार जीत गया। यही जिहाद बिल माल। एक और जिहाद है जिहाद बिल लिसान, यानी इंसान हक के लिए जब भी हक की बात आए तो अपनी जबान से वो जंग करे। और इस जिहाद की सबसे बड़ी मिसाल जनाब ज़ैनब और जनाब सज्जाद है। जहां इमाम हुसैन ने जिहाद में सैफ करके दिखाया, वही जनाब ज़ैनब और इमाम सज्जाद ने शाम के दरबार में जिहाद बिल सिवान करा के दिखाया। सलवार पर भी एक जिहाद और होता है, जिहाद बिल कलम, यानी वो जिहाद जिसमें उलमा आज कर रहे हैं। उलमा की लिखी हुई किताबें हजारों साल तक मशाले रहा हूं। और आखिरी जिहाद, जिहाद बिस ज़ैद है। ये जिहाद सबसे ज्यादा बदनाम। तो ये बदनाम क्यों हुआ, पहले इसको समझते हैं। रसूल के जमाने में तबलीग का तरीका दूसरा था। रसूल के जमाने में तबलीग के लिए हिकमत और वज़्दुल हसना का इस्तेमाल किया जाता था। सूरह नहल की आयत नंबर 125 में खुदावंद अल्लाह ने इरशाद फरमाता है कि उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमते व मुवज़्ज़तुल हसना, यानी ऐ रसूल अपनी हिकमत और अपनी मुवज़्ज़तुल हसना यानी अपनी जबान की ताकत से लोगों को मुसलमान करो। लेकिन रसूल के जाते ही कुछ ऐसे लोगों को तख्त खिलाफत पर बैठा दिया गया जिनके अंदर ना हिकमत थी और जिनके अंदर ना मुवज़्ज़तुल हसना का सलीका था, इसलिए सलवार पढ़ी। इसी मुलूकियत के धब्बे ने तो बेस है, वो अकीदा है। अकीदा दिल से बनता है, जबरदस्ती नहीं बनता। और अकीदा ही वो नींव है जिसपे अमल की इमारत बनती है। तो अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है तो अमल कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकता। लोग अक्सर ये कहते हैं कि आप अपनी मजलिसों में इतना क्यों अली अली करते हैं? तो अली अली नहीं करते, हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को आज के दौर की मिसाल दे दूं कि वो हुब्बे अली की वैक्सीन देते हैं कि वो वायरस जो हुसैन अली के हैं जब हमारे नौजवानों पे अटैक करे तो वो ऐसे जवाब दे कि वो सामने वाला चुप हो जाए और अपनी हार मान ले। सलवार पढ़ दी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा अमल तब तक नहीं बन सकता जब तक अकीदा दुरुस्त नहीं हो। तलवार के जोर पे आप किसी को इबादत नहीं करवा सकते। एक सलवार पढ़ दीजिए। अकीदे का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है, लेकिन रसूल के वक्त भी कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने चीजों को बदला, जिहाद के तरीकों को बदला, बैत के तरीके को बदला। रसूल के जमाने में जो बैत होती थी उसमें बैत करने वाला बदलता था, बैत लेने वाला नहीं बदलता था। यानी अगर मस्जिद नबवी में सुबह से शाम तक 1000 मुसलमानों ने बैत करी है तो वो लोग जो सुबह घर से काफिर चले थे वो शाम को जब घर पहुंचेंगे तो मुसलमान हो जाएंगे। रसूल सुबह भी रसूल थे और शाम में भी रसूल रहेंगे। यह है बैत का तरीका जो रसूल के जमाने में था। अब आइए रसूल के जाने के बाद जो बैत हो रही है, आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, हम सारे मुसलमान हैं। एक बुजुर्ग कहीं बैठ गए, उनके हाथ पर कुछ लोगों ने बैत कर ली। अब हम तो कल भी मुसलमान थे, सुबह भी मुसलमान थे, अब शाम में मुसलमान हैं। ये बुजुर्ग
जो सुबह तक एक आम मुसलमान थे, ऑर्डिनरी मुसलमान थे, वो शाम होते होते खलीफतुल मुस्लिमीन बन गए। ये बैत का कॉन्सेप्ट बदल गया इस्लाम। सिर्फ बैत ही नहीं, जिहाद और सारी चीजें बदली। लेकिन ये बदली क्यों? आखिरी हिस्सा कि ये जो चीजें बदली है, बदली क्यों, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी रसूल और आले रसूल का एहतराम न करना। रसूल के जमाने में, बनी उमैया के दौर में नहीं, बनी अब्बास के दौर में नहीं, रसूल के जमाने में ही एक ऐसा गिरोह मौजूद था जो रसूल के इस्लाम को वैसा नहीं समझता जैसा रसूल समझाना चाहते थे। वो रसूल का वैसा एहतराम नहीं करता था जैसा एहतराम के रसूल हक रखते थे। इस गिरोह के नाम हर दौर में बदले। हमें नाम से मतलब नहीं, हमें काम से मतलब। लहजा कुछ भी हो, नजरिया वही था। नजरिया क्या था? कि रसूल का एहतराम नहीं करते थे, रसूल के एहतराम को बिदअत समझते थे और आले रसूल के एहतराम को हराम समझते थे। ऐसे लोगों ने ही इस्लाम में ऐसी चीजें लाई जो इस्लाम की बदनामी का सबब बनी। सही। रसूल के जमाने में होता था और इसकी दलील कुरान में मौजूद है। कुरान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो रसूल के जमाने में ही रसूल की बात नहीं मानते थे, यानी कि रसूल का एहतराम नहीं करते थे। सूरह अल-हुजरात की आयत नंबर 2, खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफू अस्वातकुम फौका सौते नबी। ऐ लोगों, रसूल की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करो। यानी कुरान में कोई भी बात ऐसे नहीं होती। यानी उस जमाने में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद थे, जब मैं यूं कहूं कि कुछ ऐसे बदतमीज मौजूद थे जो रसूल की आवाज पे अपनी आवाज को बुलंद करते थे। ये रसूल की बेहतरामी। यही नहीं, सूरह जुमा में हर हफ्ते पढ़ते हैं हम सूरह जुमा की आखिरी आयत। खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि ऐ रसूल, ये लोग तुम्हें तिजारत के लिए और खेल के लिए नमाज में छोड़ के चले जाएंगे। अरे अभी तक तो हम यही समझते थे कि सिर्फ जंग में छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ये लोग तो रसूल को नमाज में भी छोड़ के चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि रसूल का वो एहतराम उस जमाने में भी एक करता था जो नहीं करता था। जब रसूल ने कलम मांगा तो किसी शख्स ने मना कर दिया। इसमें बहस नहीं किसने मना किया, क्या नाम था उसका, लेकिन जिस शख्स ने भी रसूल को ये कहा कि माजल्ला इनको हिस्यान हो गया है, वो शख्स कुछ भी हो सकता है लेकिन एहतराम में रसूल के जौहर से खाली था। उस शख्स के अंदर एहतराम में रसूल नहीं था। यही एहतराम में रसूल ना होने की वजह से लोगों ने जनाब फातिमा के दरवाजे पर हमला किया। इसी एहतराम के ना होने की वजह से लोगों ने इमाम हुसैन को कत्ल किया। इसी एहतराम के न होने की वजह से हमारे सारे इमामों को कैद किया गया। मैंने आपसे कहा था मैं आपको पूरी वजह बताऊंगा। रसूल के जमाने की मैंने मिसाल दी, अहले बैत के जमाने की मैंने मिसाल दी, और आगे बढ़ते हैं 200 साल बाद यानी तीसरी सदी हिजरी में बनी अब्बास का दौर है और मुतवक्किल खलीफतुल मुस्लिमीन है, और उस वक्त जो हम्बली फिक्र है वो बन रही है और मुतवक्किल उसी से जुड़ा हुआ है। तो मुतवक्किल ने क्या किया, उसने मंसूबे बनाए कि कैसे इमाम के रोजे को मिसमार किया जाए। कभी नहर दौड़ा दो, कभी खेती करवा दो। तो ये वही सोच थी, एहतराम न करने की सोच थी जिसने ऐसा किया। और आगे आते हैं 6वीं सदी हिजरी में इमाम इब्ने तैमिया ये क्या कर रहे हैं कि नया फलसफा लेके आए कि हमें अपने बुजुर्गों की तरफ वापस चलना चाहिए, हमें अपने असलाफ की तरफ वापस चलना चाहिए। और इसी को सलफी मसलक कहा गया। तो सलफी मसलक है जो कहता है कि ये सब बिदअत है, उसकी शुरुआत यहीं से हुई। और आगे आते हैं नजद में एक शख्स पैदा हुआ जो वहाब का बेटा, जिसका नाम है मोहम्मद, मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब। इसने इसे किसी सलफी मसलक का रिवाइवल किया, इसको फिर जिंदा किया और वहाँ भी फलसफा शुरू हुआ। और आगे आते हैं इसी सलफी मसलक से
जुड़ा हुआ। मैंने कहा था ना आज के दौर से इसको जोड़ूंगा। इसी सलफी मसलक से जुड़ा हुआ अरब का एक लुटेरा या इराक का एक लुटेरा काफिला या कबीला जिसे आले सऊद, जब पहली जंग अजीम या पहली वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन ने तुर्की के जो कॉलोनीज थी उनका बंटवारा किया, तो आले सऊद को हिजाज का हिस्सा दिया, यानी ये जो हमारा मक्का मदीना का हिस्सा है ये आले सऊद को दिया। क्यों दिया? क्योंकि आले सऊद ने ब्रिटेन की पहले जंग अजीम में मदद करी थी। अब आज के जो मुसलमान सऊदी सऊदी करते रहते हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये वही सऊदी है, ये वही आले सऊद है जिसने आपके तुर्की को ये खलीफा मानते थे, हिंदुस्तान में खिलाफत मूवमेंट कराए उन्होंने, इसीलिए उसको हराने के लिए आपके आले सऊद ने ही अंग्रेजों की मदद करी थी। और वही एहतराम न करने के जब आइडिया वो मंसूबा पूरी दुनिया में स्मगल हुआ तो उसने दहशतगर्दी बन गई, यानी मालूम ये हुआ कि आले रसूल का एहतराम न करना ही वो वजह बनी जिसने इस्लाम की इतनी बदनामी करी, यानी जिसने अहले बैत का दर छोड़ दिया, उसने इस्लाम का भी नुकसान कराया, उसने अपना भी नुकसान कराया। एक सलवात पढ़ो। और इस आले रसूल की जो अहमियत न समझना या आले रसूल का एहतराम न करना, इसकी सबसे बड़ी मिसाल करबला का। आज हम बीबी सैयदा को दो ऐसे यतीमों का गुस्सा देंगे जिन्हें कूफे में कब्र है। कूफे में दो बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे दर दर भटक रहे हैं कि कोई उन्हें पनाह दे दे, लेकिन सब अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं। ये बच्चे रात में कुएं के सहारे एक पेड़ में चढ़ जाते हैं ताकि रात सुकून से गुजर। सुबह सुबह एक मोमिना उस कुएं से पानी भरने आती। शेख सुरूख लिखते हैं कि वो मोमिना उस पानी में दो चांद से चेहरे देखती है। जब ऊपर देखती है तो सवाल करती है कि बच्चों तुम कौन हो? तो बड़ा भाई कहता है हम कोई नहीं, शायद ये डर हो कि कौन तमाचा मार दे, कौन ताजियाने लगा दे। छोटा भाई कहता है कि हम उसले के यतीम। वो बिना उन बच्चों को घर लेके आती है, उनको खाना देती है, उनको पानी देती है और एक हुजरे में रखती है, कहती है बच्चों इस हुजरे से बाहर मत निकलना और कोई आवाज न करना। उधर उस मोमिना का जालिम शौहर आता है जिसका नाम हारिस। हारिस उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में। हारिस कहता है कि मैं मुस्लिम के उन दो बच्चों को ढूंढ रहा हूँ जिनके सर पे 5,000 का इनाम। मोमिना कहती है क्या हारिस तौबा कर, तू नवासे रसूल को बदल करेगा। उधर बच्चे ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में रसूल अल्लाह उन्हें अपने पास बुला रहे हैं। दोनों बच्चों की आंख खुलती है, दूसरे को ख्वाब सुनाते हैं और गिरजा करके रोने लगते हैं। हारिस को यह आवाज सुनाई देती है। हारिस पूछता है अपनी बीवी से कि कौन है ये लोग। हारिस चिराग लेके कमरों में टूटता है। जैसे ही उस कमरे में दाखिल होता है बच्चों से पूछता है तो कौन हो, तो वो बच्चे कहते हैं कि हम मुस्लिम के यतीम हैं। हारिस कहता है मैं तुम्हें सुबह से शाम तक ढूंढ रहा था और तुम मेरे ही घर में छुपे हुए थे, अब देख सकते हैं तो मेरी तरफ देखिएगा। हारिस उस चिराग को किनारे रखता है, अपने दोनों हाथों से उन बच्चों के बालों में हाथ डालता है और उनको घसीटता हुसैन की तरफ लाता है। तलवार को म्यान से निकालता है, बच्चों से कहता है मैं तुम्हें कत्ल करने वाला हूँ, अपने कुर्तों को खोल दो, अपने कुर्तों के दुश्मनों को खोल दो। अभी छोटा भाई रोने लगता है, बड़े भाई सवाल करता है कि भाई तुम रो क्यों रहे हो? तो वो कहता है भाई मुझे ये दुख में खोलना नहीं आता, मेरी माँ ही मेरे दुख में हमेशा खोला करती थी। छोटा भाई बड़े भाई की मदद करता है। अब जैसे ही बड़े भाई को कत्ल करने जा रहे होते बड़ा भाई कहता है रुक जाओ पहले मुझे कत्ल करो, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बड़ा भाई छोटे भाई के लिए बाप होता है और मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने मेरे बेटे को कत्ल किया जाए। हारिस छोटे भाई को कत्ल करने जाता है, बड़ा छोटा भाई गिर जाता है, कहता नहीं मेरी माँ ने भी कहा था कि बड़ा भाई बाप होता है और बेटे के सामने उसके बाप को कत्ल नहीं करना। हारिस
अपने गुलाम से कहता है कि तुम कत्ल कर दो, गुलाम हाथों को जोड़ लेता है, अपने बेटे से कहता है तुम कत्ल कर दो, वो भी अपने हाथों को जोड़ लेता है। हारिस फिर दोनों छोटे भाई अपने एक दूसरे के गले में बाहें डाले, हारिस तलवार चलाता है, दोनों भाई कत्ल हो जाते हैं। अभी यहाँ पर नहीं, हारिस फिर उनके सरों को एक कपड़े में लपेटता है, खून भरे सर है उस कपड़े में लपेटता है, उबैदुल्लाह इब्ने दरबार के ज़ियारत में जाता है। बस तसव्वुर करिए, मसायब नाम ही तसव्वुर का है। अगर आपने तसव्वुर कर लिया तो अपने आंसुओं को कयामत तक नहीं रोक सकते। कर्बला का गम ऐसा गम है, हारिस दरबार में पहुंचता है, दरबार का मंजर है, कठरी है जो खून से सनी हुई है, उबैदुल्लाह के ज़ियारत पूछता है इस कठरी में क्या है। हारिस उस कठरी को खोलता है तो नन्ने नन्ने सर उस कठरी से निकलते हैं। तो उबैदुल्लाह के ज़ियारत पूछता है कि हारिस इसका रंग इतना सुर्ख क्यों है। तो हारिस कहता है एक तो ये खून है जिसकी वजह से इसका रंग सुर्ख है, और दूसरा मैंने इनको इतने तमाचे मारे हैं कि इनका चेहरा सुर्ख पड़ गया है। अभी यही नहीं, तेरा मुहर्रम आती है, करबला से लुटा हुआ काफिला कूफा आ रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई ताजियाने मार रहा है, इसी में एक आवाज आती है, अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह। जनाब ज़ैनब सज्जाद को बुलाती है, क्या सज्जाद कौन है जो हमें सलाम कर रहा है। सज्जाद जनाब मुस्लिम के कन्ने हुए सर की तरह इशारा करते हैं जो दारुल अमारा पर टका हुआ है। सारा काफिला एक करके निकल जाता है, लेकिन एक बीवी है जो रुक जाती है और मुस्लिम से बात करती है। मुस्लिम से कहती है कि ऐ मुस्लिम, हमें मालूम है कि तुम पर क्या जुल्म हुआ, तुम्हें भी इल्म है कि हम किस जुल्म से गुजरे हैं करबला के मैदान में, लेकिन ऐ मुस्लिम बस मुझे इतना बता दो, वो दो बच्चे कहाँ हैं जिन्होंने जिनको मैंने तुम्हारे अमानत में छोड़ा था, मुझे वो मेरे दो बच्चे लाकर वापस दे दो। हमारे इलाहा हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, हमारे इलाहा सभी दादा जो बीमार है उनकी शिफा हमारे करबला के सदके में जल्द से जल्द हो जाए। हमारे इलाहा इस फर्श पे जो भी बैठे हैं उन्हें इस दरबार का वास्ता, इस फर्श अज़ा का वास्ता, या अल्लाह उनकी सारी नेक हजात को कबूल फरमा। दुआओं में सबसे खास दुआ है हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजीर हो जाए, या मुकम्मल का तस्लीम अलीम मातम हुसैन।